बच्चों इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर इलेवन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रही हैं प्लस वन क्लास में हमने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री किया था बट वहां पे हम कार्टेशियन मेथड तक ही कंफाइंड थे यहाँ पे पिछले चैप्टर में हमने वेक्टर एल्जैब्रा किया तो वेक्टर एल्जैब्रा को हम थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में पुट कर रहे हैं पिछले चैप्टर में हमने डायरेक्शन को साइंस स्टडी किया था अगर हमारे पास औरिजन में से कोई लाइन पास कर रही है लेट दिस लाइन एल मेक एंगल दिस इज एक्स वाई एंड जेड मेक एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट तब हमारे पास ये जो अल्फ़ा बीटा गामा है अल्फ़ा बीटा गामा दिज आर डायरेक्शन एंगल डायरेक्शन एंगल्स और कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा दीज आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन कोसाइंस ठीक है बट अगर हमारे पास डायरेक्शन यहाँ पे जो एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री अगर एंगल हम लेते हैं तो हमारे पास एंगल्स क्या बन जाएंगे पाई माइनस अल्फ़ा पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा हमेशा हमारे पास दो सेट बनते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के एक डायरेक्शन के जो लाइन है दो साइड्स में एक्सटेंड की जा सकती है इधर भी और इधर भी ठीक है तो हमेशा दो सेट्स होते हैं यहाँ पे इनको हम डिनोट एल से भी करते थे एल एम एन एल इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा M is equal to cos beta and n is equal to cos of gamma. These these are direction cosines. Agar koi number. Let three numbers A, B, and C proportional to direction cosines. Direction cosines proportional to direction cosines are known as direction ratios. Means L proportional to A, M proportional to B. एंड एन प्रपोशनल टू सी कोई भी तीन नंबर जो हमारे पास डायरेक्शन को साइंस के प्रपोशनल में है दीज आर नोन एज डायरेक्शन रेशोस डायरेक्शन रेशोस तो हम यहां पर एल अपोन ए लेट एल अपोन ए ये प्रपोशनल का साइन ले लिया हमने के एम अपोन बी इज इक्ल टू के एंड एन अपॉन सी इज इक्वल टू के ठीक है हमें ये पता था यहाँ से अगर हम एल की वैल्यू लें तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा ए के एम इज इक्वल टू बी के एंड सी इज इक्वल टू एन के एज एल स्क्र प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है वन होता है तो एल स्क्र मीन्स ए स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस बी स्क्यर के स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर के स्क्वेयर इज इक्वल टू वन क्या वैल्यू होगी हमारे पास के स्क्वेयर कॉमन हो गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन के स्क्यर की वैल्यू होगी वन अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्वेयर और यहाँ से अगर मैं के की वैल्यू निकालूँ तो प्लस माइनस वन अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्यर प्लस सी स्क्वेयर यहाँ से एल अगर हम लें एल एल इज इक्वल टू ए इंटू के है K के वैल्यू हमारे पास ये हो गया तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस ए अपोन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्वेयर एम जो हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस बी अपोन रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्वेयर और एन जो होगा वो प्लस माइनस सी अपोन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र हो जाएगा डायरेक्शंस रेशियो की फॉर्म में हमारे पास डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे एल एम एन ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्वेयर एम जो होगा बी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र प्लस ई स्क्वेयर एन एन इज इकल टू सी अपोन ए स्क्यर प्लस बी स्क्र प्लस सी अगर लाइन ओरिजिन में से पास नहीं कर रही है तो हम पहले अगर मान लीजिए लाइन हमारे पास ये दिया हुआ है लाइन है तो पहले हम इसके पैरेलल ओरिजन में से ड्रा करेंगे और फिर इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे क्योंकि पैरेलल लाइंस के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो हमारे सेम होते हैं ठीक है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियो हो सकते हैं यहां पे हमारे पास चलिए अब नेक्स्ट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रो टू पॉइंट्स लेट हमने दो पॉइंट ले लिए पी एंड क्यू P के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x1, y1, z1 और Q के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x2, y2 एंड z x2 y2 z इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस हमने निकालने हैं हमने क्या किया इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया आर एस एक परपेंडिकुलर हमने यहां पे ड्रा कर लिया लेट पी एंड परपेंडिकुलर टू दिस अल्फा, बीटा, गामा जो हैं ये एंगल बना रही है लाइन अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ाऊं, तो ये हमारे पास जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा गामा ये गामा हो गया तो ये भी हमारा क्या होगा गामा ऐसे ये अल्फा, बीटा, गामा सभी एक्सिस के साथ बना रहे हैं तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें इन ट्रायंगल पी क्यू एन पी क्यू एन पी क्यू क्यू एन PQ, पी क्यू क्यू एन is पी क्यू दैट इज कोस ऑफ क्यू एन जो बनेगा हमारा जेड टू माइनस जेड वन जेड टू माइनस जेड वन पी क्यू पी क्यू की अगर आप डिस्टेंस निकालते हैं अपॉन पी क्यू भी रख लेते हैं पहले हम यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस अल्फा सिमिलरली वाई टू माइनस वाई वन अपोन पी क्यू दैट इज कोस बीटा एंड एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन पी क्यू देट इज़ कोस ऑफ गामा ये हमारे क्या हैं डायरेक्शन कोसाइंस एंड पी क्यू की वैल्यू डिस्टेंस जो हम निकालते थे वो क्या था एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वेयर एंड प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वेयर यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू ये हो जाएगी बहुत ही आसान सा है अब यहाँ पे हम डायरेक्शंस रेशो जो है हमारे डायरेक्शन रेशो कौन से ले सकते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड टू माइनस जेड वन हमारे डायरेक्शन रेशो या फिर एक्स वन माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई टू एंड जेड वन माइनस जेड टू हमारे डायरेक्शन रेशो हम ले सकते हैं इसमें चलिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत